हम रोजाना कुछ ऐसी खाने पीने की चीजें इस्तेमाल करते हैं जो हमारे लिए हेल्दी होती है, वही कुछ हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी चीजें भी है खाने पीने की जो कि हमारे लिए टॉक्सिक हो सकती है और जहरीली हो सकती है और किसी किसी केस में तो मौत का कारण भी बन सकती है। तो बिना देरी किए आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी खाने पीने की चीजें बताऊंगा जो जहरीली है और जिनसे आपको हर कीमत पर बचना चाहिए। तो सबसे पहली चीज है बीटल बॉटल गॉर्ड यानी कि कड़वी लौकी, जिसे दूधी भी कहते हैं लौकी को हम। लौकी एक बहुत ही हेल्दी सब्जी है, इसमें मिनरल्स, विटामिन, फाइबर्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें काफी एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। सामान्यतया ये स्किन प्रॉब्लम में, हाइपरटेंशन में, डायबिटीज में, कोलेस्ट्रॉल में, फैट लॉस कम करने में बहुत फायदेमंद होती है। लेकिन जब ये लौकी कड़वी होती है तब ये फायदों के बजाय शरीर के लिए घातक हो सकती है। ये प्रूव हो चुका है कि कड़वी लौकी में कुछ ऐसे टॉक्सिक कंपाउंड बन जाते हैं जो वॉमिटिंग, पेट दर्द, दस्त, कभी कभी शॉक और डेथ तक हो सकती है। द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक एडवाइजरी जारी की और उसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी कड़वी लौकी के जूस को पीने से बचना चाहिए। लौकी का एक टुकड़ा पहले से टेस्ट करना चाहिए, उसके बाद इसको किसी और फूड के साथ में मिला करके या जूस बना करके पीना चाहिए। एक केस रिपोर्ट हुआ जून 2018 में, टाइम्स ऑफ इंडिया में वो पब्लिश हुआ और उसके अनुसार पुणे के अंदर एक 41 ईयर की जो फीमेल थी उसका स्वास्थ्य एकदम सही था, लेकिन जैसे ही उसने कड़वी लौकी का जूस पिया उसके आधे घंटे बाद उसको सीवियर वॉमिटिंग और लूज मोशन स्टार्ट हो गया। उसके बाद स्थिति उसकी गंभीर हो गई और वो बच नहीं सकी। ICMR ने 2011 में एक एडवाइजरी जारी की कि अगर लौकी कड़वी है तो उसका जूस नहीं पीना चाहिए। कड़वी लौकी में एक कुकुरबिटासिन नाम का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पाया जाता है जो प्राणियों के लिए हाईली टॉक्सिक होता है। अक्टूबर 2021 में हिंदुस्तान टाइम्स में ये पब्लिश हुआ, उसके अनुसार एक राइटर और फिल्म मेकर थी ताहिरा कश्यप, उसने ये बताया कि कड़वी लौकी का जूस पीने के कारण उसे 2 दिन तक ICU में एडमिट होना पड़ा। इस लौकी की टॉक्सिसिटी का अभी तक कोई भी एंटीडोट पता नहीं चला है, इसलिए दोस्तों जब भी आप नेक्स्ट टाइम कभी भी लौकी का जूस, सब्जी, रायता कुछ भी बनाएं तो सबसे पहले क्या करना है, थोड़ा सा टुकड़ा काट कर उसको चख लें। अगर वो कड़वा है तो उस लौकी को आपको काम में नहीं लेना चाहिए, नहीं तो ये आपके लिए घातक हो सकती है। दूसरे नंबर पर चीज आती है जो खाने पीने की, वो है ग्रीन पोटैटो यानी कि हरे आलू। दोस्तों जो सबसे घातक चीज आपके लिए हो सकती है, वो टॉक्सिक हो सकती है, जिससे आपको बचना चाहिए, वो है ग्रीन पोटैटो यानी कि हरा आलू। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे घर पर कभी कभी कुछ आलू ऐसे आते हैं जो या तो पूरे हरे होते हैं या फिर उनका एक पार्ट हरा होता है। तो जो हरा पार्ट हो जाता है दोस्तों उसमें 2 चीजें पाई जाती है, एक तो उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है जो कि एक पिगमेंट होता है जिसके कारण से उस आलू का रंग हरा होता है, और दूसरी चीज जो उसमें होती वो सोलिनेज होता है। क्लोरोफिल का कोई नुकसान नहीं होता है, उसको आराम से खा सकते हैं, लेकिन जो सोलिनेज होता है ये एक न्यूरोटॉक्सिक होता है जो कि हमारे लिए जहर का काम करता है। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में खा लेते हैं तो उसकी वजह से हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, इंटरनल ब्लीडिंग, पैरालिसिस या कुछ एक्सट्रीम केस में कोमा या डेथ भी हो सकती है। नेशनल कैपिटल पॉइजन एंड रिसर्च सेंटर ने एक स्टडी में ये पाया कि अगर कोई 450 ग्राम ग्रीन आलू खा लेता है तो उसको सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। 1969 के अंदर लंदन में एक स्कूल में 78 बच्चों ने हरे आलू से बना भोजन खा लिया था तो सब बीमार पड़ गए थे। उनमें से 17 बच्चों को तो हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब भी आप आलू की कोई भी सब्जी, डिश कुछ भी बनाएं तो उससे पहले आलू को चख लें, और कहीं आलू अगर ग्रीन है या अंकुरित है तो उस पार्ट को, आप आधा आलू है तो उस पार्ट को आधा काट करके आप हटा सकते हैं। कम से कम हरे पार्ट को तो आप काम नहीं लेना है क्योंकि सिर्फ हरे पार्ट में ही वो जहर पाया जाता है, बाकी में नहीं रहता है। तीसरी चीज जो आपके लिए टॉक्सिक हो सकती है वो है नटमेग यानी कि जायफल। नटमेग ऐसी चीज है जो इंडिया में मसालों के रूप में सब जगह काम में ली जाती है। नटमेग में यानी कि जायफल में एक्टिव कंपाउंड माइरिस्टिन पाया जाता है जो जब हमारी बॉडी में जाकर के ब्रेक डाउन होता है तो इससे ऐसा कंपाउंड बनता है जो हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। दोस्तों इसकी अगर ओवरडोज हो जाए तो ये हमारे अंदर डिजीनेस, पाल्पिटेशन, चक्कर आना, नोजिया, वोमिटिंग जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, और कुछ केस में ये हेलुजिनेशन भी कर सकता है यानी कि मरीज को बावलापन हो जाता है, कुछ अजीब से ख्याल उसके माइंड में आने लगते हैं। दोस्तों नटमेग टॉक्सिसिटी के कुछ केस भी रिपोर्ट हो चुके हैं। पहला केस था जिसमें एक 17 साल की लड़की जिसने 50 ग्राम नटमेग का पाउडर मिल्क शेक बना करके इस्तेमाल कर लिया था और इसको इस्तेमाल करने के सिर्फ 1 से 1.5 घंटे के अंदर ही उसको बहुत सीवियर सिम्टम आने शुरू हो गए। उसको हेलुजिनेशन होने लग गया, उसको डिजीनेस होने लग गया, चक्कर आने लगे, वोमिटिंग, नोजिया होने लग गया, बेहोशी जैसी हालत हो गई। उसको हॉस्पिटल ले जाया गया तो उसके बाद पता लगा कि इसने तो ये जायफल का 50 ग्राम पाउडर मिल्क शेक बना करके ले लिया था। दोस्तों हम जब जायफल को मसाले
मसाले के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो हम बहुत कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होता है। लेकिन जब आप दवा के रूप में लेते हैं तो कहीं उसकी ओवरडोज नहीं हो जाए, उस बात का आपको खास ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, तीसरी जो टॉक्सिक चीज है वो है कड़वे बादाम। इसको आपको नहीं खाना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि बादाम कितने हेल्दी होते हैं। कभी कभी हम जब बादाम खाते हैं तो कुछ साथ में कड़वे बादाम भी आ जाते हैं, तो इन्हें निगलने की बजाय इनको थूक देना चाहिए, चाहे कितने भी महंगे बादाम क्यों नहीं हो। क्योंकि आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इन कड़वे बादाम में एमिगडालिन नाम का एक टॉक्सिक केमिकल पाया जाता है, जो हमारी बॉडी में जब जाता है तो हाइड्रोसाइनेमिक एसिड में बदल जाता है, जिसे हम जनरल भाषा में साइनाइड कहते हैं। साइनाइड एक पॉइजन होता है। ये क्या करता है कि हमारी श्वास नली को चोक कर देता है। दोस्तों, एक केस स्टडी 2011 में केमिकल टॉक्सोलॉजी में पब्लिश हुई, जिसमें 10 लोगों को कड़वे बादाम खिलाया गया और उन्होंने ये पाया कि बॉडी में साइनाइड नाम का एक केमिकल प्रोडक्शन हुआ है, जिसके कारण से क्या होता कि हमारा नर्वस सिस्टम स्लो हो जाता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगती है। और उसके बाद में ये बताया गया कि 8 से 10 कड़वे बादाम एक साथ अगर कोई खा लेता है तो उसकी बॉडी के लिए वो खतरनाक साबित हो सकता है, और अगर कोई इससे ज्यादा 50 बादाम कड़वे खा लेता है तो उसकी मृत्यु तक हो सकती है। बादाम जब पुराने हो जाते हैं तो उनमें कड़वापन आ जाता है, लेकिन जो व्यापारी होते हैं वो अपना पुराना स्टॉक निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो कड़वे बादाम होते हैं वो अच्छे बादाम के साथ मिक्स करके हमको बेच देते हैं। तो इसलिए हमको ध्यान रखना चाहिए कि जो नया माल आया हो, जो नए पैकेट हो, कि उनकी डेट ऑफ एक्सपायरी चेक करके ही उनको लेना चाहिए। दोस्तों, पांचवी जो खाने पीने की चीज हमारे लिए टॉक्सिक हो सकती है वो है ब्राउन राइस। जी हाँ, ये थोड़ा सा आपके लिए शॉकिंग हो सकता है, क्योंकि ब्राउन राइस अक्सर बहुत हेल्दी माना जाता है, लेकिन अगर आप इसका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए जानलेवा हो सकता है। अब कैसे ये आपके लिए टॉक्सिक हो सकते हैं उसको समझ लेते हैं। देखिए, जितने भी प्रकार के राइस होते हैं उनके अंदर आर्सेनिक कंसंट्रेशन काफी मात्रा में पाया जाता है। आर्सेनिक एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो हमारी बॉडी के लिए कार्सिनोजेनिक भी हो सकता है, यानी कि बॉडी में कैंसर पैदा करने का काम करता है। अब समझते हैं कि ये आर्सेनिक चावल में आता कहां से। तो दोस्तों, जब चावल की खेती करते हैं तो बहुत सारे फर्टिलाइजर उसमें डालते हैं, बहुत सारे पेस्टिसाइड डालते हैं, तो अलग अलग तरह की दवाइयां उसमें डाली जाती है, और इन सब में आर्सेनिक काफी मात्रा में होता है। और चावल के अंदर ये खासियत होती है कि वो चावल जो होता है वो आर्सेनिक को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, इसलिए चावल में इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। ऐसे चावल को इस्तेमाल करते हैं तो आर्सेनिक धीरे धीरे हमारी बॉडी में जमा होने लगता है, और धीरे धीरे इसका कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में बढ़ता जाता है, और ये टॉक्सिसिटी कर सकता है, यानी कि कैंसर भी पैदा कर सकता है। दोस्तों, व्हाइट राइस की तुलना में ब्राउन राइस में आर्सेनिक का कंसंट्रेशन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि व्हाइट राइस में से प्रोसेसिंग के दौरान आर्सेनिक का कंसंट्रेशन कम हो जाता है। अगर आप चावल को सेफली इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको चावल को अच्छे से पानी से 4-5 बार धोना है, इससे आर्सेनिक जो होता है वो पानी के साथ निकल जाता है। और दूसरी बात, चावल को पकाने से पहले 1-2 घंटे पानी के अंदर रखना है और उसके बाद उस पानी को हटा देना है, इससे भी आर्सेनिक का कंसंट्रेशन कम हो जाता है। बस ये दो बातें आपको फॉलो करनी है और आप आर्सेनिक की टॉक्सिस से आप बच सकते हैं, आपको खतरा कम हो सकता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, कुछ न कुछ नया जरूर आपको सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी से आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर आपके कुछ सवाल हैं और आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसके जवाब देने की। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।